हेलो दोस्तों, तो आज हम हमारे इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन डिज़ाइन के बारे में, क्या क्या डिज़ाइन कंसिडरेशन होनी चाहिए जब भी आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक तरह से रोटरी है या इंटरसेक्शन है जहां पर अलग अलग रोड आकर मिल रहे हैं। तो वह जगह जहाँ पर दो या दो से अधिक रोड आके मिलते हैं, उसे हम एक तरह से इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, जहाँ पर ट्राफिक के जो मूवमेंट्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरसेक्शन डिज़ाइन एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है अर्बन प्लानिंग का। It determines the safety, efficiency and functionality of intersection. An intersection is where two or more roads or streets cross each other. Effective intersection should accommodate all modes of transportation including vehicles, pedestrian and cyclist. तो जो अच्छा बोल सकते हैं आप intersection होगा, वहाँ पर पैदल वालों के लिए भी जगह होगी, मोटरसाइकिल वालों के लिए भी जगह होगी, साइकिल के लिए भी जगह होगी, ट्रक के लिए भी जगह होगी। तो आइए जानते हैं डिफरेंट टाइप के इंटरसेक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं टी इंटरसेक्शन, वेयर थ्री रोड्स मीट एंड वन एंड्स एट द इंटरसेक्शन। तो इस टाइप का जो रोड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टी इंटरसेक्शन। फिर फोर वे इंटरसेक्शन आपने देखे ही होंगे, ठीक है ना। ऐसे कुछ जो इंटरसेक्शन होते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, फोर वे इंटरसेक्शन। राउंड अबाउट आपने जनरली देखे होंगे, आपके जो मेन चौराहे होते हैं तो इधर से आ रहा है ना, ठीक है। इधर इस टाइप से कुछ जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड अबाउट बोलते हैं। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जो होते हैं, जैसे आपने फ्लाईओवर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेड सेपरेटेड। ये देखिए, फ्लाईओवर ऊपर से चला जाता है और नीचे से एक रोड पास हो जाता है, ठीक है, उसे ग्रेड सेपरेटेड बोलते हैं। आपने देखा होगा सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन, कहीं जो चौराहे होते हैं उसके ऊपर तीन टाइप की बत्ती लगी होती है ना, येल्लो, ग्रीन और रेड। अनसिग्नलाइज्ड जहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोलर जो पुलिस वाले जो होता है, पुलिस वाला, उसको अनसिग्नलाइज्ड बोलते हैं। मल्टी लेवल इंटरसेक्शन विद मोर देन वन लेवल सच एज फ्लाईओवर, अंडरपास एंड ओवरपास। तो कुछ इंटरसेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्लाईओवर भी होता है, स्ट्रेट रोड भी होता है और अंडरपास भी होता है। तो इस टाइप के जो इंटरसेक्शन होते हैं उसे मल्टी लेवल इंटरसेक्शन हम बोल सकते हैं। अब इंटरसेक्शन को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें क्या क्या कंसिडरेशन लेनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, तो आप अगर आपसे कभी पूछा जाए ट्रैफिक वॉल्यूम, मतलब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि कौन सा नहीं है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम होगा। और ट्रैफिक वॉल्यूम हर चीज़ में जरूरत है ना, ट्रैफिक वॉल्यूम की कंसिडरेशन हमें हर जगह पर लेनी पड़ती है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स पेडेस्ट्रियन साइक्लिस्ट यूजिंग द इंटरसेक्शन, जो जो इंटरसेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो कितने व्हीकल्स हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट आता है, रोड की विड्थ, द विड्थ ऑफ द रोड अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन। तो रोड जो इंटरसेक्शन है उसको अप्रोच करते हुए विड्थ की, रोड की विड्थ क्या है, क्या वहाँ पर स्पीड लिमिट आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, और रोड का जो ग्रेड है वो कैसा है, स्लोप कैसा है, अगर मान लीजिए कोई ढलान पर है थोड़ा सा, है ना, या फिर कोई ऊपर जाने के है। तो ये सारे के सारे जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है, टर्निंग मूवमेंट कैसा है, द नंबर ऑफ टर्निंग मूवमेंट्स एट द इंटरसेक्शन। अब जो ये चौराया है इस पर कितने लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट टर्न कर रहे हैं या राइट टर्न कर रहे हैं या सीधे जा रहे हैं, ठीक है। एक लेन, पर्टिकुलर सिंगल लेन की विड्थ क्या है जो कि अप्रोच कर रही है इंटरसेक्शन को। पेडेस्ट्रियन और साइक्लिस्ट का क्या एक्सेस है, क्या उनके लिए कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। लैंड यूज, किस टाइप का लैंड यूज है उस जगह पर, किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, वो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, है ना, रेजिडेंशियल है, तो किस टाइप की एक्टिविटीज़ हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम, रोड की विड्थ, स्पीड लिमिट, रोड का जो ग्रेड है, टर्निंग मूवमेंट, लेन की विड्थ, पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट एक्सेस, लैंड यूज, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं इंटरसेक्शन के डिज़ाइन के टाइम पर हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। अब क्या क्या इंटरसेक्शन के डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला आता है इसमें लेन कॉन्फ़िगरेशन, द नंबर ऑफ लेन्स एंड देयर विड्थ अप्रोचिंग टू द इंटरसेक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम राउंड अबाउट का क्वेश्चन नहीं करेंगे वैसे, ठीक है। अगर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे तो मैं राउंड अबाउट पर पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा और एक न्यूमेरिकल भी उसमें करवा दूंगा, ठीक है ना। तो क्या चौड़ाई है, लेन कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, टर्निंग लेंस कितनी है, डेडिकेट लेंस फॉर लेफ्ट और राइट टर्निंग मूवमेंट्स, जो लेफ्ट और राइट टर्निंग मूवमेंट है उसके लिए क्या सी डेडिकेटेड लेन है या नहीं है। मान लीजिए आपको इधर से जाना है तो आप डेडिकेटेडली जा सकते हैं, है ना। ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो कैसे हैं, उनका टाइम लिमिट्स क्या है, वहाँ पर ट्रैफिक फ्लो कैसा है। क्रॉस वॉक पेंटेड एज रेज्ड मार्किंग दैट इंडिकेट्स पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार इस टाइप की कुछ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है, तो वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, है ना। मीडियन आइलैंड, फिजिकल बैरियर बिटवीन अपोजिंग ट्रैफिक लेंस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द स्ट्रीट। तो
मीडियन आइलैंड है या नहीं है। अब जैसे क्या होता है कि जो पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले हैं, वो हर जगह से रोड को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए बीच में आपने एक ऊंचा मीडियन बना रखा है तो उन्हें बार बार क्रॉस करके जाना, अब एक दो हैं या कोई इमरजेंसी कैसे तो बात अलग है, लेकिन ये जो जगह है ये जनरलाइज नहीं है कि आप यहाँ से ऊपर जाएँ या उधर जाएँ, तो ये भी इस चीज़ को इफेक्ट करता है। बाइसिकल की लेन है या नहीं है, रोड मार्किंग्स पे जो रोड की प्रॉपर मार्किंग्स है वो पेंटेड है या नहीं है, लेन की बाउंड्रीज, टर्निंग मूवमेंट, सबके बारे में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं इंटरसेक्शन पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको एक जनरलाइज बता देता हूँ। इंटरसेक्शन जनरली जो देखे जाते हैं तो अपन तीन या चार टाइप के अपने पास इंटरसेक्शन होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है अनसिग्नलाइज, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है या कोई नहीं होता। दूसरा होता है सिग्नलाइज, तीसरा होता है आपका राउंड अबाउट, और चौथा आप बोल सकते हो कि जैसे जो ग्रेड सेपरेटेड है ना, जनरली चार टाइप के अपन पढ़ते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग एंड फेजिंग कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलिजन। अगर ट्रैफिक सिग्नल है और प्रॉपर सिग्नल वहाँ पर इफेक्टिव है तो उसका जो टाइमिंग है, ये ट्रैफिक सिग्नल डिज़ाइन भी हम लोग पढ़ते हैं हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं ट्रैफिक सिग्नल डिज़ाइन पर भी एक पर्टिकुलर लेक्चर बना दूंगा आपके लिए। जो क्रॉस वॉक है, जो पेडेस्ट्रियन के लिए मार्किंग्स है, वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। कर्ब का एक्सटेंशन होना चाहिए, रिड्यूस क्रॉसिंग डिस्टेंस एंड बेटर विजिबिलिटी ऑफ पेडेस्ट्रियन। कर्ब का जो एक्सटेंशन हो, जैसे रोड के साइड में जो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ पार्ट होता है ना, ये रोड है मान लीजिए, ये मीडियन है ना, ये रोड है, तो इसके साइड में जो उठा हुआ पार्ट होता है, तो ये जब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या जो एक मतलब जहाँ से पेडेस्ट्रियन निकलते हैं तो ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए, ताकि जो पेडेस्ट्रियन है उन्हें बहुत अच्छे से दिख जाए कि हाँ कोई ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा। जनरली लोग लेफ्ट टर्न मूव करते हैं, तो जो लेफ्ट टर्न के लिए ट्रैफिक मूवमेंट है वो थोड़ा सा अगर हम सेपरेट कर दें तो ये एक अच्छी डिज़ाइन कंसिडरेशन होती है, और वहाँ से हमें ट्रैफिक रिड्यूस करने में मूवमेंट मिलती है। रेस्ड मीडियन, जनरली लोग बाग हर जगह सर नहीं घुसे तो उसके लिए हम जो है रेस्ड मीडियन प्रोवाइड करते हैं। एडवांस स्टॉप लाइट, डेडिकेटेड स्पेस फॉर व्हीकल टू वेट सिग्नलाइज, जो सिग्नलाइज इंटरसेक्शन है उनके लिए एक एडवांस स्टॉप लाइन जो है वो बना देते हैं, जिसके ऊपर अगर वो लाइन अगर आप क्रॉस करते हो तो आपके लिए जुर्माना लगाया जाता है। कंक्लूजन, तो अगर आप पहुंच गए तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, थैंक यू, है ना। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन डिज़ाइन एक इसेंशियल कंपोनेंट है ना, जो एक वाइटल रोल जो सेफ्टी एफिशिएंसी में आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट देखने पड़ को मिलते हैं, जैसे एक इंटरसेक्शन है, अप्रोचिंग ट्रैफिक है ना, तो दोनों हो सकते हैं, या इधर वाला इससे ये मुड़ रहा है इससे टकरा सकता है, इधर वाला इधर जा रहा है इससे ये टकरा सकता है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो है इंटरसेक्शन पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रॉपर चीज़ों का ध्यान रखें, मीडियन को थोड़ा सा ऊँचा रखें, प्रॉपर मार्किंग रखें, है ना, थोड़ा सा, तो ये सारा अगर प्रॉपर मेजर्स अगर हम लें तो जो आपका राउंड अबाउट है या जो आपका इंटरसेक्शन है वहाँ पर हम जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट उनको कम कर सकते हैं और सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।